एक पल्सर का चैम्बर क्रैक हो गया और चैम्बर नहीं मिल रहा उसका। पल्सर 150 है, UG4, उसका जो ऑयल ड्रेन बोल्ट होता है ना, वहाँ साइड से पूरा क्रैक हो गया है और वह वेल्डिंग वो चलेगा भी नहीं। तो हमें आज नहीं मिल पाया चैम्बर उसका, तो नया भी नहीं मिल पाया, सेकेंड हैंड भी नहीं मिल पाया। तो सेकेंड हैंड में एक जगह बात हुआ है, वो बोले कल 10-11 बजे आने के लिए। देखता हूँ अगर क्या मिल जाता तो, वरना गाड़ी मेरे पास 10 दिन से पड़ी हुई है चैम्बर के चलते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सामान नहीं मिल पाता है, हमें नहीं मिल पाता है तो दिक्कत हो जाती है, कस्टमर को दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग को क्या है कि कहीं से तो अरेंज करके गाड़ी तो उन्हें देना ही होगा ना, कस्टमर थोड़ी जान रहा है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो हमें गाड़ी बनाने दी है तो हमें गाड़ी बना के देना होगा उन्हें। ये चैम्बर, यहाँ पे ऑयल बोल्ट जो है उस जगह पूरा अंदर तक क्रैक हो गया है, तो मिल नहीं रहा। देखते हैं कल, अगर मिल जाता है तो कल ही भाई साहब को क्लियर कर देंगे, चला जाएगा गाड़ी। कल अगर मिलेगा तो परसों चला जाएगा, मिल नहीं रहा। 10 दिन से खड़ी है चैम्बर के चलते। अब भाई नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, सेकेंड हैंड तो हमें कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। न्यू या सेकेंड हैंड कहीं से अरेंज करके इसे स्टार्ट करना है, चालू करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज कर रहा था और ये सीज कर जाती है। ऑयल बिना ऑयल के चलेगी तो सीज कर जाएगी, बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज कर रहा था। पूरा अंदर तक चैम्बर यहाँ पर फटा हुआ है, अंदर तक ये जो चैम्बर है अंदर तक फटा हुआ, नहीं मिल रहा कहीं से। देखता हूँ कल अगर मिल जाता तो इसे कम्प्लीट करूँगा। बहुत सारा सामान नहीं मिलने के कारण काम पेंडिंग पड़ा जाता है। हो सकता है आप लोग साथ भी ऐसा होता हो, हमारे साथ होता है तो आप लोग साथ भी होता होगा। लेकिन हम लोग क्या है ना कि कहीं ना कहीं से दौड़ धूप करके अरेंज कर ही लेते हैं सामान, इतना जगह जान पहचान हो गया, इधर उधर जाकर कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं। देखता हूँ कल अगर मिलता है तो अच्छी बात है,